फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपालीज ऑसम वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पिछले कुछ दिनों से मैं अपना कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी यमी रेसिपी चना चाट की, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपी भी है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ये जो चना चाट आज हम प्रिपेयर करेंगे वो प्रोटीन रिच फाइबर रिच डिश है। इसमें आयरन और कैल्शियम भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इनफैक्ट ये बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करने में भी हेल्पफुल है। तो ओवरऑल ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशन पैक्ड रेसिपी है। ओबेसिटी के लिए, वेट लॉस के लिए तो बहुत अच्छा है ही है। इसके अलावा ये क्योंकि हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो जैसे लेडीज को ऑस्टियोपोरोसिस की कॉमन प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये बना के खा सकते हैं, और अगर कोई डायबिटिक है तो वो भी ये खा सकता है। ग्रोइंग बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी डिश है। आप उनको ये टिफिन बॉक्स में भी रख के दे सकते हैं या फिर इवनिंग स्नैक की तरह दूध के साथ भी दी जा सकती है ये। तो आइए देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। एक कप चना लेना है आपको, छोला जिसे सफेद चना कहते हैं वो लेना है। उसको रात भर आप भिगो देंगे या 8-10 घंटे भिगो देंगे। उसके बाद इसको आपको उबालना है, थोड़ा सा नमक और खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, वो डाल के चुटकी भर बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक वो डाल के आपको उबालना है। ये देखिए मैंने अपने छोले उबाल लिए हैं और छोलों में मैंने सिर्फ 4-5 सीटी लगाई है क्योंकि मुझे खिले खिले छोले चाहिए थे और मैशी नहीं चाहिए थे। देखिए मैं दिखाऊँ, ये पक गए हैं अच्छे से लेकिन ये मैशी नहीं हुए हैं, घुले नहीं हैं, खिले खिले बने हैं। हमको ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। तो मैंने अपने कुकर में सिर्फ 4-5 सीटी लगाई हैं। सबका कुकर अलग अलग होता है तो आप अपने कुकर के हिसाब से सीटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं चना चाट बनाने के लिए चने के अलावा हमको और क्या क्या चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने ली है चॉप्ड अनियन, बारीक बारीक काट लेनी है, या तो चॉपर में काट लीजिए या फिर नाइफ से। कुकम्बर, टमाटो, ग्रीन चिली, इमली की खट्टी मिट्टी सॉल्ट की चटनी, हरी चटनी पुदीने की, और ये नमकीन। ये सॉल्ट की चटनी मैंने घर पे ही बनाई है। इसकी रेसिपी अगर आपको जाननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो ये नमकीन है, इसके अलावा भी कोई भी नमकीन आप ले सकते हैं, हल्दीराम की भुजिया ले सकते हैं, या जो नमकीन पारे होते हैं, नमक पारे जिसे हम कहते हैं, वो भी आप इसमें ले सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में हम ये अपने बॉयल्ड चने डाल लेंगे, फिर डालेंगे चॉप करे हुए टमाटर, कुकम्बर, अनियन, ग्रीन चिली। ग्रीन चिली ऑप्शनल है, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो डालिए वरना मत डालिए। अभी आपने देखा होगा मैंने सारी चीजें अपने बोल्स में थोड़ी थोड़ी छोड़ दी हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आगे उसका मैं क्या करने वाली हूँ। अच्छे से हम इसको मिला लेंगे और उसके बाद हम ये हरी चटनी डालेंगे। ये चटनी मैंने हरी धनिया और पुदीना को मिक्स करके बनाई है। फिर डालेंगे ये सॉल्ट की चटनी, ये मैंने इमली और गुड़ से बनाई है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप मीठा नहीं डालना चाहते हैं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। फिर डालिए काला नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, और चाट मसाला। फिर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। एक बार इसको सब कुछ मिलाने के बाद, डालने के बाद आप एक बार टेस्ट जरूर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज कम लग रही है तो उसको आप फिर बाद में भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट किया तो मुझको लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा नमक कम है, तो फिर मैं ऊपर से थोड़ा सा नमक डालूंगी इस पे। अभी हमारी चना चाट बिल्कुल तैयार है, तो अब हम इसको सर्व करेंगे।
इसमें ऊपर से डाल देंगे ये नमकीन, और जो मैंने थोड़ा थोड़ा प्याज टमाटर खीरा सब थोड़ा थोड़ा बचाया था ना अपने बोल्स में, उसको भी हम इस तरीके से ऊपर से डाल देंगे। फिर हम डालेंगे इसमें दोनों तरह की चटनियाँ, ये गई हरी चटनी और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी। अब डेकोरेट करने के लिए ये हरी मिर्च हम आधी काट लेंगे और इसको इस तरीके से ऊपर से सजा देंगे। तो लीजिए बनके तैयार है हमारी हेल्दी और टेस्टी चना चाट। देखने में लग रही है ना यमी यमी, तो आप भी इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई करिए और मुझे बताइए कि कैसी बनी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।